दोस्तों, मशहूर पिस्ताकद सऊदी यूट्यूबर अजीज़ अल अहमद जुमेरात को 27 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने की असल वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। इस वीडियो का लाइक एम 150 लाइक है। दोस्तों, पैदाइश से जिनियाती बीमारी में मुबतला सऊदी शहरी अजीज अल अहमद 19 जनवरी को अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल कर गए। अजीज अल अहमद 1995 में रियाज में पैदा हुए थे और मारूफ यूट्यूबर थे। वो अरबी में अल कजम यानी बोना की उर्फियत से मशहूर थे। इनकी मौत पर इनके मदा ने कल्बी दुख का इजहार किया। अजीज अल अहमद को पैदाइशी तौर पर जिनियाती बीमारी और हारमोन्स की खराबी का मसला दरपेश था, जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा मुतासिर हुई थी। गुज़िश्ता दिनों अस्पताल से इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। एक खातून इनसे पूछ रही थी कि आप अपने फैन से क्या कहना चाहते हैं। अजीज ने जवाब दिया, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, अजीज से जब पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तहम वो जहाँ बर न हो सके और अपने लाखों मदाहों को सोगवार छोड़कर चले गए। दोस्तों, अजीज शादीशुदा थे और इनका एक बेटा भी था। अजीज यूट्यूब पर मजाहिया वीडियोस अपलोड करते थे और इनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में थी। टिकटॉक पर इनके फॉलोअर्स की तादाद 96 लाख, जबकि यूट्यूब पर 8,87,000 सब्सक्राइबर थे। दोस्तों, मरहूम यूट्यूबर स्नैपचैट पर भी बहुत मकबूल थे, जहां इनके पेज के 2.7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। दोस्तों, आप इस यूट्यूबर के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे तो इस यूट्यूबर अजीज अल अहमद की मौत पर काफी ज्यादा दुख हुआ है। अल्लाह ताला इस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनकी बख्शिश फरमाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। हम मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।